गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्री ट्रेडर के व्लॉग्स। आई नो, मुझे पता है आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा होगा, तो यार यहाँ पे आ रहा है तो प्लीज जाके चेक कर लो। मैं जानता हूँ वो ज्यादा ही छोटा व्लॉग था, लेकिन ये वाला व्लॉग छोटा नहीं होने वाला क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोग मैं, मम्मी और हनी को ड्रॉप करेंगे और मम्मी और हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा घूम घाम के वापस घर पे आ जाएंगे। मैंने तो पूरी आइटनरी बता दी आज की। जी नहीं, ये व्लॉग दो पार्ट में भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो मैं बता दूं आप लोगों, कल और मेरी मम्मी की छोटी सी रात में लड़ाई हो गई थी जिसको मैंने बड़ी स्मूथली मतलब संभाल लिया। तो शायद इस व्लॉग में मम्मी का चेहरा उतरा उतरा दिख सकता है। अगर खुश है तो फिर हमने जो स्मूथली संभाला वो प्लान से मतलब सक्सेसफुल रहा। यार मेरी दाढ़ी बहुत ज्यादा भर चुकी है। कुछ लोग बोलेंगे दो तीन बाल निकला है, दाढ़ी बोल रहा है। नहीं नहीं, दाढ़ी है क्योंकि बहुत हार्ड बाल है इसके। कह रहा संडे था, मैं सोच रहा था कि जाऊंगा, लेकिन अब टाइम नहीं है क्योंकि एक घंटा तो मम्मी को मनाने में लग गया। सुबह 6 बजे उठे, चाय फाय बनाई, फिर थोड़ा मतलब कि साफ सफाई कर दिया ताकि मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाए। और वही प्लान था मेरा कि मम्मी के काम खत्म करके उनको उठा के बस लेके जाना है। मम्मी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि कल उनका मन था कि मैं आज जाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ कर दिया जिसके वजह से मम्मी नाराज हो गई। मैं मानता हूँ पूरी गलती मेरी ही है, मैं ही था, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो चुका है और अब जाने की प्लानिंग हो रही है। हनी मंदिर देख रहा है, मेरे को नहाना है। वैसे आज संडे था, मैं अच्छा खासा बाल कटा लेता तो ज्यादा अच्छा लगता। अभी तो एकदम गोरिल्ला टाइप लग रहा हूँ मैं कैसा यूट्यूबर है, खुद ही रोस्ट कर रहे हैं भाई। वैसे ही अपने आपको रोस्ट करो, दुनिया को हंसाओ। दूसरों को रोस्ट करोगे तो दुनिया आपसे लड़ने के लिए आ जाएगी, तो खुद को रोस्ट करो ज्यादा बेटर है। मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मेरे व्लॉग्स आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करूंगा जीके के, करंट अफेयर्स के। मतलब आज का क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली मैं बाय गवर्नमेंट एक गार्डन है, मुगल गार्डन जिसे कहते हैं, उसका अभी नया नामकरण हुआ है। तो जरा कमेंट बॉक्स में जाओ, उसमें टाइप करो, यू कैन यूज गूगल, ठीक है, आपको नॉलेज ही मिलेगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा अपने इतिहास से। तो उस गार्डन को जो नया नेम दिया गया है वो क्या है, जल्दी कमेंट करो। इसके अंदर पूरा मेरा कीरिंग का कलेक्शन पड़ा है, इसके अंदर सारा कीरिंग ही कीरिंग भरा पड़ा है बस। अरे बॉक्स काफी बड़ा है। मेला क्यूटी। ये आ ली हमारी ट्रेन गाजियाबाद तक के लिए। शाबाश। दिल्ली इंटरसिटी से हो गया सफर मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद तक का। गाजियाबाद पहुंच गए। इस शहर से थोड़ा अपनापन सा है। वैसे हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ गाजियाबाद उतरते हैं, आज राइट साइड ऑफ गाजियाबाद उतरे हैं ताकि हम लोग आने के हॉस्टल मतलब क्या कहते हैं उसको, पीजी जा सके। तो बस बारिश होने लगी है और जल्दी पहुंचना पड़ा, ठंड बढ़ रही है। बारिश से छुपने के लिए छत मिल गई है, अब देखना कब तक के लिए बैठेंगे यहाँ पे। मजाक था भाई, मजाक ABS के लिए ई रिक्शा, लेकिन पता नहीं वो वाले जो भैया है ना पूरी सवारी लेके ही निकलेंगे यहाँ से। किस्मत सच्ची में बहुत खराब है, बारिश हो रही है और ठंड भी लग रही है, हवा चल रही है ना। ओहो, हनी का कॉलेज। आगे प्रस्थान करने से पहले एक एक कप चाय हो जाए, चाय ट्रीट मम्मी दे रही है। तो ये आगे हमारी कुल्लड़ वाली चाय मम्मी की, मम्मी के पास। हनी ये फोटोज ले रहा था भाई, स्टोरी जरूर शेयर करियो मेरे को। भैया जी की टी स्टॉल है ना, फेमस होनी चाहिए। ABS कॉलेज के रोड क्रॉस करके जस्ट सामने यहाँ पे। तो मम्मी आज हनी का कॉलेज पहली बार देख रही है आंखों से, मतलब लाइव दर्शन कर रही है। मैं तो हनी को छोड़ने आ चुका हूँ दो तीन बार, मम्मी पहली बार आई है। दिल्ली में आप किसी भी टी स्टॉल से चाय पकड़ लो, मस्त होती है। इवन दैट गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की चाय भी ठीक ठाक है, सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, लेकिन ये बेस्ट होती है। ये कॉलेज का गेट नंबर 2। बारिश में जब बूंद इसमें गिर जाती है मिट्टी में और जब खुशबू आती है भाई, वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक, वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक। भाई मैं ना बीनी भी नहीं लेके आया, सर भी नहीं ढक सकता। रात के टाइम पे आएंगे ना 9 बजे के आसपास, बैंड हो जाएगी ठंड के मारे। बारिश को ज्यादा ही जोर के हो गया भाई। भाई कहाँ है तेरा पीजी? लो भाई हनी का पीजी आ गया। ये पीजी है या फिर होटल? अंदर से काफी ठीक ठाक है, कैमरा क्वालिटी की वजह से थोड़ा जुल्ले दिखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए किचन बहुत बड़ी है, यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। अगर हम जैसे लोग जाएं तो यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर बांध के सो सकते हैं आराम से। जब भाई आपके पास अंधा पैसा हो तो आप छत पे भी टाइल लगा सकते हो। अब इसमें से लाइट का बटन कौन सा है? असली दुविधा तो ये है, लाइट का बटन कैसे ढूंढे? हे भगवान, एक एक करके ले। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर मम्मी। अरे वाह,
लो हो गई रोशनी, ये आंगन रोशन रोशन हो गया। तो मम्मी हनी का पीजी आपको कैसा लगा? फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, बढ़िया है। ऐसे ही घर होना चाहिए अपना, भगवान देगा तब देखेंगे। तो मम्मी ने तो हनी का पीजी क्लियर कर दिया, अरे मतलब क्लियर नहीं, ऑल ओके वाला क्लियर कर दिया। ये मेरे लिए कुछ नया था। ब्लूटूथ कनेक्टेड एंड इसका कलर भी चेंज होता है, नाउ इट्स बिकमिंग रेड। मम्मी को पसंद आया, बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी म्यूजिक क्वालिटी चेक कर रहे थे, फुल आवाज कर। ओ भाई, हमको आपका पीजी सच्ची में बहुत पसंद आया भाई, बहुत मस्त है। तेरी ये बाद में ढूंढा था ना तूने, मस्त है। आप भी रहते हैं ऐसे पीजी में जहाँ पर मिलता है आपको गर्म पानी की सुविधा, तो आपकी बोतल ये हो सकती है। गाइस देखो ये बोतल की क्या हालत कर दिया भाई ने, और मम्मी मार भी नहीं रही इस बात में, आप यही बोतल इसके सर पे मारो। तो हनी को हमने अच्छी तरह छोड़ दिया है, अब मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर की तरफ, निकलते हैं यहाँ से। हनी को करते हैं एक टाटा। वेलकम टू द तुराब मार्केट ऑफ गाजियाबाद। वैसे हमारे इस मार्केट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। हमारा काम है इस गली के खत्म होते ही जो चाट वाला है ना वहाँ पे चाट खाने का। ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे होते था, चाट वाला कहाँ चला गया? मम्मी के कपड़ों की हालत देख रहे हो, ये जितना भी उस पर डस्ट होता है ना पेड़ पे और पानी पड़ा है और मम्मी उसके नीचे से निकली है तो सब गंदा हो गया। बारिश हो रही है और अभी है ना क्या खाएंगे पता है? दिल्ली के फेमस राम लड्डू, जिसे हम कहते हैं और लोग तो इसको राम लड्डू बोलते हैं पर तुम मंगोड़े बोलते हैं। हमारी भाषा में मंगोड़े, उसको ऐसे हाथ से खाने में जो मजा है ना भाई, चम्मच चम्मच बेकार। राम लड्डू के टेस्ट के बाद ई रिक्शा में बैठ कर जाना है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ के जाना मुजफ्फरनगर से रेलवे स्टेशन, से रेलवे स्टेशन से फिर घर। आई होप आपको आज का दिन अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत, तो अच्छा तो लगा बस वाणी को छोड़ के अच्छा लगा। अब यहाँ से मम्मी और मैं जाएंगे आगे, पता नहीं कौन से सोच में डूबी हुई है। रात होने आई हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई, बहुत ज्यादा ठंडी है। एक मिनट कुछ नहीं बोलूंगी आप, मैं पहले व्लॉगिंग करूँ, प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसा है कि हम आ चुके हैं घर पे, बहुत तेज बारिश हुई थी जैसे कि आप लोगों को दिखाया, इतनी भी तेज नहीं हुई थी लेकिन बारिश ने हमारे सारे काम बिगाड़ दिए। हाँ कपड़े तो बिगाड़ ही दिए, हमको ठंडी भी दिला दी और मुझे अभी बहुत ठंड लग रही है, मैं आराम से अब सोने जा रहा हूँ जस्ट। बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जल्दी, कभी भी बनाएंगे तब। सी यू, गुड नाइट, एंड लाइक कर देना प्लीज, थोड़ा कमेंट कर देना कि राम लड्डू खाया क्या आप लोगों ने, खाए होंगे ऑब्वियसली कभी ना कभी, तो जस्ट कमेंट कर दो और मिलते हैं जल्दी। टिल देन गुड नाइट, सुन बाय।